सर्वर इज बिजी प्लीज ट्राई अगेन लेटर। पबजी मोबाइल लाइट में जो ये एरर आ रही है इसे गायब करने के लिए क्या करना है यही मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों इसे दूर करने के लिए आपको नॉक्स प्लेयर का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है। जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा मेरे पास नॉक्स प्लेयर का लेटेस्ट वर्जन है और इसके अंदर आपको सेटिंग कुछ भी नहीं करनी है। नॉक्स प्लेयर के अंदर आपको अपने हिसाब से जैसे आप रेगुलेशन रखते हैं वो वाला और जैसे सीपीयू रैम वगैरह वगैरह जो भी आप रखते हैं वही आपको सेटिंग रखनी है। और इसके अलावा जैसे गेम के लिए मैंने इसके 120 एफपीएस अनलॉक कर रखे हैं तो आप भी 120 एफपीएस अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन रेगुलेशन अगर आप चाहते हैं कि 1080p में पबजी मोबाइल लाइट को खेला जाए HD क्वालिटी में GFX टूल इस्तेमाल करके तो आपको रेगुलेशन 1920x1080 DPI 280 वगैरह वगैरह रख सकते हैं आप। इसके अलावा दोस्तों अगर आप 720p में खेलना चाहते हैं और तो नॉर्मली ये डायरेक्टली ही आपके चल जाएगा विदाउट किसी सेटिंग के। और आपको ये रेंडरिंग जो है इसे ऑन ही रखना है, रेंडरिंग कैच को ऑन ही रखना है ताकि स्मूथ गेम प्ले हो सके, 60 FPS आपको गेम के अंदर मिल जाए। और डिवाइस को आपको S10 ही रखना है, सैमसंग S10 या S10 5G रखना है। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आपको सिमुलेटर वाली एरर आ रही है तो यही आपका एक सोल्यूशन है फिलहाल जो 0.19 वर्जन है उसके अपडेट के बाद में आपको नॉक्स प्लेयर में ये एरर नहीं आती है। तो नॉक्स प्लेयर का जो लेटेस्ट वर्जन है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको मुझे पता है कि नॉक्स प्लेयर में आपको बहुत ज़्यादा की मैपिंग की प्रॉब्लम आ रही होगी तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिससे आप की मैपिंग को बहुत ही बढ़िया यानी गेम लूप की तरह की मैपिंग आपको मिल जाएगी उसके अंतर्गत। उस वीडियो में अगर आप पूरा देखेंगे उस वीडियो को जो अभी चैनल पर है नहीं लेकिन थोड़ी देर में आ जाएगा 2-3 घंटे में मैं उसे अपलोड कर दूंगा तो उसमें आपको स्मार्ट की मैपिंग मिल जाएगी 1080p में, क्योंकि GFX टूल इस्तेमाल करने के बाद में इसकी की मैपिंग काम नहीं करती तो उसके लिए आपको अलग से फाइल भी मिल जाएगी और 720p की फाइल मिल जाएगी। तो ये यहाँ पे रिसोर्सेज पैक के वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लिया है मैंने, इसकी स्पीड बढ़ाई है वीडियो की यहाँ पर। तो वैसे एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है आपको, नॉक्स प्लेयर का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है, उसमें पबजी मोबाइल लाइट इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपको 720p में खेलना है तो डायरेक्टली गेम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में यहाँ पहली बार या दूसरी बार तक आपका बहुत टाइम लेगा, 3-4 मिनट तक, इसलिए मैंने यहाँ पर स्पीड अप की है थोड़ी सी वीडियो की। तो यहाँ पर जैसे ही आपका हो जाएगा मतलब लॉगिन स्क्रीन से चला जाएगा आपको एक लॉगिन स्क्रीन मिल जाएगी जहाँ पर आप अपना पुराना अकाउंट भी डाल सकते हैं और नया अकाउंट भी बना सकते हैं। मैंने टेम्परेली यहाँ पे एक नया अकाउंट बनाया है लेकिन बैन होने वाले कोई बात नहीं है, रिस्की शॉट कुछ भी नहीं है यहाँ पर, आप बेफिक्र होके यहाँ पर खेल सकते हैं यानी नॉक्स प्लेयर में। और बात करें लेग की तो आपको दिख रहे होंगे पूरे 60 FPS 59 से ऊपर ही FPS आपको मिलेंगे यहाँ पर। और गेम कंट्रोल और 720p के लिए स्मार्ट की मैपिंग मिल जाएगी, उसमें थोड़ी सी कमी है 2-4 की इधर उधर है या स्प्रिंट की दिक्कत आ रही है तो वो उसके लिए मैंने जो नेक्स्ट वीडियो बनाया है उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आप किस तरह से स्मार्ट की मैपिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। और बात करें लेग्स की, कुछ दोस्तों का मानना है कि नॉक्स प्लेयर बहुत ज़्यादा लेग करता है या स्ट्रीम नहीं कर पाते नॉक्स प्लेयर के साथ में, तो मैंने नॉक्स प्लेयर से काफ़ी स्ट्रीम की है और विदाउट किसी एरर के। और पबजी मोबाइल लाइट फिलहाल नॉक्स प्लेयर में बहुत अच्छे से चल रहा है, जो नया लेटेस्ट अपडेट वर्जन है मैंने इसमें एंड्रॉयड 5 का यूज़ किया है, आप एंड्रॉयड 7 का भी वर्जन का भी उपयोग कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा 60+ FPS मिल रहे हैं आराम से और कोई विदाउट एनी लैग, कोई भी लैग नहीं है गेम में। और की मैपिंग और सेंसिटिविटी भी आप आराम से अपनी तरफ से सेट कर सकते हैं, जैसे आप अल्टी प्लेयर में रख सकते हैं, ब्लू स्टिक में रखते हैं, गेम लूप में रखते हैं, वो वाली सेंसिटिविटी आप यहाँ पर भी आराम से काम में ले सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर शेयरिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग दोस्तों। और इसके अलावा भी अगर आपको अब भी सिमुलेटर एरर आती है नॉक्स प्लेयर यूज़ करने के बाद में भी या की मैपिंग की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से की मैपिंग वाला वीडियो देखने के बाद में आपको ऐसी कोई समस्या नहीं आने वाली है, मैंने बहुत ही ज़बरदस्त की मैपिंग कॉम्बो तैयार किया है जिसमें हर प्रकार से आपको गेम लूप के मुकाबले की मैपिंग मिलेगी। थैंक यू।